नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुर में। आज हम आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में प्रत्येक जिले में भर्ती निकल रही है। जैसे जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रत्येक जिले की आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिस जिस जिले में भर्ती निकले। लगभग अभी 8 से 10 जिले ऐसे हैं हमारे पास जिसका नोटिफिकेशन हमारे पास जल्द ही आने वाला है, और कुछ जिले का आ भी गया तो उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। हम आपको डायरेक्ट थंबनेल में ही बता देंगे कि कौन से जिले का ये जानकारी है सामाजिक कल्याण विभाग की। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में निकली भर्ती को हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती निकली कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग जिला उमरिया, दिनांक 1/9/2023 को नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुका था। तो यहाँ पर सभी जिले में सेम भर्ती है, सेम जो है वो सैलरी रहने वाली, और सेम क्वालिफिकेशन इसमें देखने को आपको मिलेगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, पर ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, सीनियर प्रोथेस्टिस्ट आर्थोटिस्ट में ये भर्ती निकली है, एक पद है, सभी में एक एक पद है। लगभग सीनियर स्पीच में है, मोबिलाइजर में है, मल्टीपर में है, अकाउंटेंट में है, वेकेशनल में है, ट्रांसडिसिप्लिनल स्पेशल में है। तो यहाँ पर आपको लगभग सभी में जो है वो क्वालिफिकेशन सेम देखने को मिलेगी, पद सेम देखने को मिलेगा और सैलरी सेम देखने को मिलेगी। बस इसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होता है। नियुक्ति कर्मचारी के शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं संबंधित प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएँ समाप्त कर दी जाएगी एवं वैधानिक कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के अगर 15 दिवस के अंदर अंदर आपने कार्य ग्रहण नहीं किया है तो अन्यथा जारी आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची में वरीयता के अनुसार अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सभी पदों हेतु रोजगार पंजीयन आवश्यक होना, आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो हमने उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है, आपको देखने को मिल जाएगा। संविदा पर नियुक्ति, संविदा कर्मी को राशि 100 रुपये का नॉन स्टाम्प पर संबंधित नियुक्ता के साथ करारनामा प्रस्तुत करना होगा। संविदा पर नियुक्ति, संविदा कर्मी संविदा के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है तो उसे संविदा सेवा त्याग करने के लिए 1 माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा 1 माह का पारिश्रमिक मानदेय पदस्थ कार्यालय में जमा करना होगा। ठीक है, सभी जिले के अपने अपने नियम है, बस कुछ भर्ती है जो भर्ती सेम है, उसमें पोस्ट सेम है, सैलरी सेम है, बस उसमें कुछ आपको जो है वो आपको क्या चीज टर्म एंड कंडीशन है वो कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सभी जिले की अपने अपने टर्म एंड कंडीशन रहती है तो आप ज़रूर देखिएगा। इसकी लास्ट तारीख है 15/9/2023, यहाँ पर इसकी लास्ट तारीख है दोस्तों। 15/9/2023 तक सीलबंद लिफाफे में कार्यालयीन समय शाम 6 बजे तक यहाँ पर आपको या तो खुद से देकर आना है या फिर आपको पोस्ट ऑफिस या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। टेक्निकल विषय विशेषज्ञों को भारतीय पुनर्वास परिषद ICI दिल्ली में जीवित पंजीकृत होना एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना देने हेतु आवेदन पत्र के साथ 6x4 इंच के लिफाफे पर अपना पूर्ण पता लिखकर एवं राशि 40 रुपये का पोस्टल टिकट चिपकाकर आपको संलग्न उसमें करना होगा। आपको जो टिकट है वो आपको पोस्ट ऑफिस में ही वहाँ पर मिल जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सभी जगह का सभी जिलों का आवेदन पत्र अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट भरकर जैसे कि आपको बताया कि पते पर भेजना है तो आपको किस पते पर भेजना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। तो आपको अपने ज़िले में कार्यालय कलेक्टर जिले में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला उमरिया मध्य प्रदेश के नाम से ये भेजना है, और आपको 15/9/2023 से पहले पहले ये आवेदन आपको भेजना है। 1/4/2022 के नवीन मार्गदर्शन अनुसार जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु दिशा निर्देश ये दिए गए हैं, और केवल 1 वर्ष के लिए संविदा आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी लगभग सभी जिलों में निकल रही है। अगर आप उमरिया जिले के नहीं हो और आपके परिचित कोई उमरिया जिले के हैं तो उन को जरूर ये वीडियो की लिंक सेंड कर दीजिए ताकि वो भी कुछ इसमें अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।